जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड आई एम श्योर आप लोग अब आज का दिन अपना बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आपके इस दिन को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। कुछ सेलिब्रिटी हैं हमारे साथ जिसमें सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो मैं सब में पहले अपनी पहली गेस्ट को इनवाइट करूंगा। आप उनको अक्सर देखते होंगे टीवी पे कमर्शियल्स करते हुए, एक्टिंग करते हुए और मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी हैं। सो प्लीज़ वेलकम अरसला सद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है? इतना अच्छा शो कर रहे हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। यू लुकिंग गुड माशाल्लाह। हमेशा की तरह। यू आल्सो जी मैंने कहा बिलाल के शो पे जा रही हूँ, थोड़ा तैयार हो जाती जी। प्लीज आप बैठिए, हैव अ सीट। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ और उनको भी आप हमेशा मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं, मुख्तलिफ कमर्शल्स में देखते हैं और सब में अच्छी चीज़ ये है कि वो ऑलराउंडर है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, होस्ट भी बहुत अच्छी हैं, एक्टर भी बहुत अच्छी हैं और पता नहीं यार ये लड़की इतना कुछ कर कैसे लेती हैं, राइट? क्यों ना हम उनको बुला के पूछते हैं। तो प्लीज़ वेलकम निशा खान। आप लोगों को देख के तो सेट और जगमगा जाता है ना, और मैं बुलाता भी इसलिए, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। ऑब्वियसली देखते भी लड़कियों को ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और हैप्पी न्यू ईयर आपको, कैसी हैं आप? सेम टू यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलें, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। और ये तो हमारी एक्ट्रेस आ गई और क्यों ना हम शो में थोड़ा सा चेंज मैंने सोचा इस दफा हम करें। अब हमारे गेस्ट पॉलिटिशियन भी हैं, क्योंकि मैंने कहा जाहिर सी बात है वो इतना कुछ कर रहे होते तो क्यों ना हम उनको सामने लेके आए, राइट? अच्छा, उनसे कुछ सवाल भी हैं, उनसे मैं पूछ जब वो आएंगे तो मैं उनसे करूँगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो क्यों ना निशा और अरसला उनसे कुछ डिफरेंट सवाल करेंगे, राइट? बस उनको बुला ही लें और पूछ लें। तो मौज़म कुरैशी प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्रिया। वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। आप इतने टॉल हैं, मैं शॉर्ट लग रहा हूँ आपके सामने। मैं उससे भी छोटी। चले प्लीज बैठे। वैसे आप लोग तो हील से अपने काम चला लेती हैं, लड़के देखें। की तो हाइट ऑलरेडी इतनी अच्छी है। बिल्कुल। अर्चला की हाइट मेरी भी अच्छी है, नॉट बैड। एक चीज मैं आपको बात बताऊं, देखें हाइट मैटर नहीं करती, आपका टैलेंट मैटर करता है, राइट? और आप इनको देखिए आजकल ये इतने कमर्शियल कर रही है, कुछ हमें भी दिलवा दें आप प्लीज। आप माशाल्लाह सीनियर हो गए हैं, आपका काम ऑलरेडी इतना अच्छा। ओह माय गॉड, तो आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद आशीर्वाद। चले जी, अब हम अपने फोर्थ गेस्ट की तरफ चलते हैं और वो मेरा ख्याल मेरे शो में पहले कभी नहीं आए और शायद आप लोगों ने उनको मॉर्निंग शो में अक्सर देखा होगा और पाकिस्तान के यंगेस्ट है, यंगेस्ट है, मैजिशियन है। सो प्लीज वेलकम अतर मैजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना खत्म हो गया बिल्कुल, इसीलिए मैंने हाथ बढ़ा दिया। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र आप सुनिए। चले अब मैं भी बैठता हूँ, सब बैठे हैं तो। सर सब में पहले मुझे आप ये बताइए कि माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, हाइट इतनी अच्छी है, तो शोबिस में आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? पॉलिटिशियन क्यों? कोई बैकग्राउंड है इससे रिलेटेड क्या? नहीं, सबसे पहले तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज सच फैमिली के अंदर कोई नहीं है, नहीं बट शुरू से शौक था कि लोगों की खिदमत की जाए किसी ना किसी तरह, किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, तो इसलिए पॉलिटिक्स को की चॉइस की। और उस पॉलिटिक्स से पहले मैं सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था जी। तो उसके बाद फिर अब पॉलिटिक्स के अंदर, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर अब तो काफ़ी 5-6 साल 8-7 साल हो गए तकरीबन। और फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा कराची से, अभी मैं सिंध काउंसिल का मेंबर हूँ पार्टी का। इतना कुछ कर कैसे लेते हैं आप, ये तो बताइए। बस टाइम मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, और ये है कि फिर सारी जिम्मेदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। और दूसरी, जब आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर वो कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, देख खुदा क्या करता है। इफ़ यू हैव पैशन, इफ़ यू हैव स्पिरिट ऑफ डूइंग समथिंग,
तो फिर चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और मैं समझता हूँ कि आपके लिए आगे का सफ़र भी आसान हो जाता है। चलें जी, दैट्स वेरी नाइस। अर्सला, हमारे सारे गेस्ट आ गए हैं और मैंने सोचा आप लोग के लिए क्यों ना कुछ म्यूज़िक का भी बंदोबस्त किया जाए। म्यूज़िक के बिना तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नया साल है, नया साल हमारा शुरू हुआ है, राइट। और बिलाल के शो की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि क्या म्यूज़िक होता है इनके शो पर, मैं तो इसीलिए डन कर देती हूँ, मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। अभी मज़ीद और आपको मज़ा आए आने वाला है। और आज के जो हमारे सिंगर जो गेस्ट हैं, माशाल्लाह से आप उनको अक्सर मॉर्निंग शोज में, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में देखते हैं और कुछ वीडियो भी उनकी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको, नया साल है, नए साल का पहला दिन है, सो आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। सो प्लीज़ वेलकम जिमी सनम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? ठीक है, कोरोना खत्म हो गया। बहुत हसीन लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब देखें, लड़कियों की तारीफ कर दे वरना इन्होंने बाद में मारना है मुझे। नहीं नहीं, आप लोग भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो अभी हम सब यही बात कर रहे हैं कि नया साल आने वाला है, राइट। और देखें, गुजर भी गया, आ भी गया और बहुत सारी मुश्किलों से हम गुजरे, राइट। और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आने वाला साल 2022 हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो मैं ये चाह रहा था कि हम बचपन से, हम नए साल पे कुछ ना कुछ हमारी एक फ़नी बात होती है या हम सबके साथ एक होती है। अच्छा, मेरे साथ क्या था कि बचपन में जब हम स्कूल जाया करते हैं, तो अब तो आपको पता है स्कूल बंद होते हैं, बच्चों के मज़े हमारे टाइम पे नहीं होते थे। हमारे टाइम पे स्कूल बंद नहीं होते थे। अच्छा, कभी नए साल पे कहते थे ना कि अम्मी आज ऑफ कर लेते, तो अम्मी कहती नहीं नहीं बेटा ऑफ नहीं करना, आज के दिन ऑफ करोगे ना तो पूरे दिन घर बैठोगे, पूरे साल मतलब घर बैठोगे। जो काम तुम आज करोगे वो हर साल होता रहोगे, जो नहीं करोगे वो। अच्छा, ऐसा मेरे साथ है या आप सबके साथ भी है? ऐसा ही बिल्कुल होता है। और ये बड़ी हकीकत है, हमारे घर वाले जो बातें अक्सर बोलते हैं, तो जैसे नॉर्मल लाइफ में भी माँ बाप जैसे कि समझाते हैं बहुत सी चीजों के बारे में, हम उस टाइम पे नहीं मानते, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि यार रियलाइज होता है, कोई ना कोई बंच मिलता है ना एक, तो फिर हमें याद आता है कि यार सही बोला था। तो आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ के साथ न्यू ईयर को लेके क्या हैपनिंग है। मेरी न्यू ईयर को लेके मुझे कुछ ऐसे जितना ज्यादा बिलाल याद नहीं है, एक बड़ी जबरदस्त बात याद है मुझे न्यू ईयर वाले दिन, मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। बड़ी फनी सी बात है, हंसना नहीं है, आप लोगों को हंस भी सकते हैं वैसे। बात ये कि न्यू ईयर वाले दिन हमारे किसी की शादी थी, बड़े करीबी की, तो हम लोग रेडी हो रहे थे शादी में जाने के लिए पूरी फैमिली, तो हम सब लोग माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। अच्छा, मेरा क्या होता है कि शादी में कहीं जाना होता है तो मेरी बड़ी तैयारी चल रही होती है, वो नजर आ रही है। वो तो लड़कियों की तो वैसे भी चल ही रही होती वो है, वो बड़ी तैयारी नहीं होती ना, पूरे घर में मुझे सब खींचते हैं इस बात पे ना कि इसकी तो सारी चीजें लाइन से ऐसे सजा देती है ये। खैर, बड़े मजे से मैं फुल, वो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं आप में, शादी में जाना, मेकअप कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तैयारियां सारी हो गई, कोई बात नहीं, फुल टिप टॉप होके तैयार हो गई। अब जाके हम लोग जो है वो सारे घर वाले बैठे नीचे, गाड़ी में बैठ गए। अब मुझे बुलाया, अर्सला कहाँ है, उसको बुलाओ, बस आ गई, बस लिपस्टिक रह गई लगाकर नीचे उतरी हूँ, गाड़ी में बैठ गए माशाल्लाह से। उतरे हम लोग बैंक्वेट पे, और वहां पे जब मैं उतरी हूँ बाहर, तो मैंने देखा कि चप्पलें मैंने घर की दो पट्टी की पहनी हुई थी। ये तैयारी चल रही थी ना। मतलब मैं आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने बोला ये क्या हुआ, तो वो पूरा घर माशाल्लाह मेरा सब हंस रहे थे, और फिर पापा ने बोला अब मैं वापसी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी सजा है, इसी में बैठो तुम। अच्छा, वैसे अगर ड्रेस लॉन्ग होगा तो छुप गई होगी? नहीं था वो दिख रहा था। क्या मजेदार सीन हुआ था माशाल्लाह, सब आकर पूछ रहे थे, खैर ये चप्पल नहीं खरीदी, पैसे खत्म हो गए थे। अच्छा, मैंने कहा नहीं, वो एक हादसा हो गया था ज्यादा, थोड़ा मेकअप वेकअप करने के चक्कर में, तो बस ये हो गया मेरा चप्पल पहनना। तो ये बात मुझे न्यू ईयर की बड़ी आज तक याद रहती है कि मेरे साथ ये हुआ। बिल्कुल। और एक चीज मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे हम सुन रहे थे कि स्कूल जाना नए साल वाले दिन, तो जिसने शादी की होगी क्या वो पूरे साल शादी नहीं करता? Exactly. अच्छा, होता है क्या ऐसा? अच्छा, ये थोड़ी सी होता है, कहावतें हैं, मुझे ये लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे ये लगता है कि अम्मी उस टाइम भेजने के लिए कहती है। एग्जैक्टली, होता कुछ भी नहीं है। चलिए निशा, आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए यार, न्यू ईयर आप क्या बोली थी? बोले कुछ नहीं, न्यू ईयर पे कोई खास सीन नहीं होता। अच्छा, कैजुअली नॉर्मली डेज होते हैं, अब तो बड़े हो गए, पहले ये वाला सीन होता था स्कूल वाला, तो अब ये होता है कि न्यू ईयर की ये होती है कि एक दिन पार्टी शार्टी की और दूसरे दिन सो रहे होते हैं, ये चल रहा होता है अब तो, कोई खास वो नहीं होती, वही डेली रूटीन वाली सिस्टम है। सर आप बताइए, कुछ है रिलेटेड न्यू ईयर को हवाले से? जो है वो एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट होती है घर में, वो ये कि हर साल जो है वो अम्मी हमारी कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हैं बच्चों को न्यू ईयर वाले दिन, बहुत से घरों में। तो मेरी उनसे सलाम दुआ करवा।
तो वो एक चार्म जब तक छोटे थे तब तो था। अच्छा अब नहीं है? अब इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो तो फिर आपको उन मतलब रिलेशंस की वैल्यू का ज्यादा अंदाजा हो जाता है। अपनी मदर को ये बोला करें आपके लिए हम अभी भी छोटे हैं, गिफ्ट लिया करें। मैं अम्मी को ये बच्चे हमेशा छोटे हैं। मैं अम्मी को ये कहता हूँ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, दो दिया करें। ये ज्यादा अच्छा है, बहुत मजे का, ये बेस्ट है। अच्छा तो आप मिलते हैं दो गिफ्ट आपको? मिलता एक ही जी, आप बताइए। कुछ इतना खास नहीं, बस यही होता था कि जैसे बचपन में ज्यादा मम्मा 12 बजने। लेकिन मुझे तो लग रहा है आपका बचपन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये भी मेरा मैजिक है। ये भी मैजिक, भी मेरा मैजिक। तो हम सबके साथ भी करें ना, हम 10 साल रुक जाएं हैं निशा। के लिए मैं अपने लिए मुझे पीछे ले जाओ, वापसी मुझे छोटा होना है। अच्छा हमें भी छोटा कर दो प्लीज। चले बताइए। तो यही होता था कि 12 बजने से बस कुछ ही सेकंड्स पहले मम्मा की बस नजर होती थी कि बाहर नहीं निकलने चाहिए किसी भी तरह। अच्छा वो पहले एक्सीडेंट्स के आपको सीन्स पता हैं कि बाहर ना निकलना, फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाना, 12:30 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 12 बजे के बाद नहीं जाना। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत, तो आप जल्दी निकल जाते हैं ना? मैं जाता नहीं था। वो अम्मी किस लिए बोलती थी, पूरी बात नहीं बताई शायद, क्योंकि बाइक का साइलेंसर खोलती थी। मैं नहीं जाता था, मैं सीरियसली नहीं, मैं अभी तक नहीं जाता। बेहतरी के लिए ही बोलती है ना? नहीं, बेहतरी के लिए वो यही बोलती थी कि बाहर जाने से बेहतर है बैठो दुआ पढ़ लो। Exactly. और जो पिछले साल बुरा किया दुआ करो अगले साल ऐसा ना हो। जी सर आप बताइए। सर आपसे सब सर कहते हैं गाना सुनाए नए साल में। हाँ गाना सुनाते हैं। नहीं, पहले आप मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा हूँ सीरियस। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जवाब सुन के आपको समझ में आ जाएगा मैं सीरियस हूँ। मेरा जवाब सुन के आपको समझ में आ जाएगा मैं सीरियस हूँ। तो बात यह है कि 10 साल स्कूल के मैंने कोशिश यही करी है कि मैं बीमार रहा हूँ। बीमार रहा हूँ मतलब नहीं जाऊँ, बीमार रहा हूँ अम्मी के सामने, लेकिन मेरी अम्मी डॉक्टर है, उन्होंने ठीक कर करके मुझे भेजा और पढ़ाया। तो प्यास तो नहीं रखते थे वो? पहले होता था ना कि आप वो बुखार करने था ना? नहीं, 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 ये वाला सीन करने मैंने किया नहीं कि आप लोग समझ रहे हो मैं ये सब कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा रहा, स्कूल जैसी तो कोई लाइफ नहीं है, स्कूल उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे पुरानी चीज़ें याद आती रहती हैं और वो ऐसा लगता है कि वो वक्त अच्छा था। बिल्कुल ऐसे तो ये ज़िंदगी गुजरी और आने वाले जो साल हैं अल्लाह ताला आपके शो में भी 4 चांद लगाए। आमीन। और जितने बैठे हुए जिस मकसद से आए हैं अल्लाह ताला उनको तमाम उस मकसद में पूरा करे। आमीन आमीन। अच्छा मजे की बात ये कि अभी हम बैठ के कहते हैं कि वो वक्त अच्छा था, जब वो उस वक्त में थे तो वो अच्छा ही नहीं लगता था स्कूल का। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही। अब ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक दिन मिल जाए मैं वैसी क्लास में जाऊँ, वैसी बैठूँ, बट नहीं, जो वक्त गुजर गया वो नहीं आ सकता। वो नहीं होती ना आपके ऊपर जिम्मेदारियां, शुगल आप खुला जी रहे होते हैं, अब बड़े हो जाते तो 10 मुश्किलें 10 चीजें सर पे। अच्छा सारी गेस्ट हमारी कह रही हैं बहुत रिजर्व हैं और बहुत नहीं। तो क्यों ना हम इनसे गाना सुने कुछ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना सुनाते हैं आपको, बड़ा खूबसूरत सा गाना और ये एक मैसेज भी है नए साल के लिए हम सबकी तरफ से सबके। दिनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, जैसे भी हो दिन रात बोलो, के रास्ते कट जाएंगे, के बादल छट जाएंगे, हाँ दीवाने चले जब साथ, तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पार, तो गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। खुशियों के दामन को, खुशी
हम इसलिए नहीं गा रहे थे क्योंकि हम गाते तो ये सब भाग जाते, सब भाग जाते एग्जैक्टली बिल्कुल, आप अच्छा गा रहे थे क्योंकि हर किसी का काम होता है और ये देख लिया होगा आप लोगों ने मैं छोटी हाँ हूँ गद्दी पे बैठी हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, और एक नए साल के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी था। बिल्कुल, तो कितना टाइम हो गया आपको गाते हुए? मुझे 8 इयर्स हो गए गाते हुए। 8 इयर्स, माशाल्लाह। बाकी सीखा है पापा से ही, सीखा है अपने। अच्छा, तो पापा भी सिंगर हैं आपके? सिंगर थे, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, और उनको देख देख के सीखा, फिर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हो, पहले हम ऐसे ही गाते थे, उसके बाद सीख कर जब गाया तो फिर समझ में ही आया कि कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना चाहिए। सही, ग्रेट, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मुझे तो लगता है कोई भी काम आप कर रहे हो उसके सीखने का टाइम जाता नहीं है, राइट? जाता है, कभी भी नहीं जाता, राइट? ऐसे ही, वाह वाह, खूबसूरत, राइट? आप मुझे बताइए अपने बारे में, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, तो पैदा होते स्टार्ट किया था। सीखते हुए 12 साल हो गए, एज अ परफॉर्मर मार्केट में शोबिज़ में काम करते हुए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करके दिखा रहे हैं हमें ये बताइए, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, जो हम कहते हैं ना कि यार मैजिशियन हमारे साथ सेट पे है, बिल्कुल, तो हम सबके दिल वो हो रहे होते हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, तो क्या कर रहे हैं? ट्रिकी करूंगा, मैजिक कोई रियल नहीं होता, ये भी बाद में पहले क्लियर करूंगा, रियल नहीं होता, जस्ट हाथ की सफाई होती है, ड्रेस होती है, उन पे डिपेंड करता है। नजरें बंद कर देते हैं? नहीं, वो अलग चीज़ होती है, वो इल्यूजन होता है। अच्छा, मैजिक होता है, ट्रिक होती है मेरी हाथ की सफाई। वैसे आपको नजर बंद करना आता है? क्योंकि मुझे किसी के मोबाइल में से मैसेजेस डिलीट करने मैंने ये, अगर इन्होंने कर दिया ना तो इन्हें एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा, हम सबका यही मसला है, सबके मैसेजेस डिलीट होंगे। एग्जैक्टली, चलें बस। सबसे पहले मुझे एक करेंसी बिल चाहिए होगा, कोई भी एक नोट, कोई भी मुझे दे अगर। नोट किसी के पास है ही नहीं आजकल, महंगाई नहीं, मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास हो तो। कोई भी हो, 10, 20, 100, सब ठीक है। ये ले 100। थैंक यू, मुझे लगता है आपके लिए रखेगा जी। देंगे तो ना वापस? बिल्कुल, मैं आपको वापस दूंगा। इससे मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। यार मेरी बात सुनो, उसको 5,000 बना दो ना। हाँ, फिर हम चेक कर दूंगा कि क्या हो सकता है। अच्छा, चल नोट देंगे, पहले से बता दूंगा क्या करने लगूं, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, मैजिक का नाम ही है सरप्राइज। ठीक है, सही आपने दिया बिलाल भाई, नथिंग है। मैं इसको 4 times फोल्ड करूंगा, 4th फोल्ड पर ही कुछ ना कुछ होगा, उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है? नथिंग है। नाउ वॉच दिस, ये इसका फर्स्ट फोल्ड, ये इसका सेकंड, और ये इसका थर्ड एंड लास्ट फोल्ड रहता है। ये इसका लास्ट फोल्ड, स्लीव मेरी ऊपर है इसलिए, ताकि मैं स्लीव से कुछ नहीं निकाल लूँ। लास्ट फोल्ड, और जो आपने ₹1,000 देखे थे वो बिल्कुल असली हुकूमत है पाकिस्तान का, ₹1,000 का नोट। Amazing यार, तुम यही करते रहो, मुझे देते रहो। Nothing यार, जी ये 1,000 जो हमने 100 दिए थे, ये 1,000 देगा तुम्हें भी? ये तो पता नहीं देगा। मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, अब आप लोग भी मुझे बताएंगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन था, अब आप मुझे बताएं, मैं इससे बड़ा करके रिटर्न करूँ? वैसे तो उनको बताना चाहिए। अच्छा। अब आप लोग देख लें आपस में, अगर 50-50 हो जाए दोनों में, तो मैं बड़ा कर सकते हैं। हाँ, फाइव कहते हैं, ठीक है, इतनी महंगाई में भी आप आधे 50 कर रहे हैं। अब मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, इसको अगेन चेंज करने के लिए वही वाला प्रोसेस यूज होगा, 4 times को फोल्ड करूंगा, 4th फोल्ड पर ही कुछ ना कुछ दोबारा होगा। नथिंग है। फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट फोल्ड रहता है, ये इसका लास्ट फोल्ड, और जो आपने ₹1,000 देखे थे वो अब बिल्कुल असली। ये क्या हो गया? ये मैजिक हो गया, वाह वाह। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया था, ये दोबारा बना यूं नहीं, क्योंकि मैं ये एक दफा कर सकता हूँ 24 घंटों में। अगर इसी तरह से नोट बनाता रहूँ तो मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत बाकी है। बिलाल भाई, थैंक यू फॉर, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट ये भी ऑसम है यार, ये भी कोई नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कल मैं 100 रुपए लेकर आऊं, 1,000 रुपए दे रहा था, 100 रुपए भाई, वो छू मंतर की तरह आए थे, वापस चले गए उड़ के। अच्छा, मैं खुश हो रहा था, मुझे 1,000 मिले, लेकिन एक चीज, मैं उसी के बारे में बताता हूँ। अगर मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग कहते नहीं हमें वही दे दो। अच्छा। उसमें भी फायदा था ना, आपने 100 दिए थे, 900 रुपए का फायदा था। हाँ, इसीलिए किसी ने कहा है कि लालच बुरी बला है, अगर आप वहीं रुक जाते तो मैं आपको। अच्छा, ये आप बता रहे हो हमें, पहले बताते हम और शरीफ बन जाते, 50 दे हमें।
चले जी, ये तो एक जबरदस्त है आपका मैजिक हुआ और थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपनी एक जबरदस्ती परफॉर्मेंस के लिए। गाना हो गया, मैजिक हो गया, क्यों ना डांस मास्क कुछ देखने का मूड है। मेरी तरफ नहीं देखो, मैं नहीं कर रहा, परफॉर्मर करेंगे डांस। तो अभी जिसको हम जिस परफॉर्मर को हम बुला रहे हैं वो साजन हिप हॉप क्रू है और आप अक्सर हमारे शोज में आप उनको देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त से परफॉर्म करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है साजन हिप हॉप के नाम से, प्लीज़ आप उनको भी सब्सक्राइब करें, परफॉर्मेंस देखें, अगर अच्छी लगी तो करना। वाओ जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्यों क्या कहते हैं परफॉर्मेंस के, मतलब मैं इसीलिए जब भी मैं आपके शो पे आती हूँ और ये परफॉर्मेंस देखती हूँ तो मुझे फिर से डांस सीखने का शौक हो जाता है। तो अभी क्यों नहीं किया? मतलब शौक होता है, आता नहीं है। अच्छा, रास्ते में रुक जाता है, नेटवर्क स्लो है आपके। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारे जो आने वाले बहुत छोटे छोटे से बच्चे, वेरी यंग बॉयज, बहुत जबरदस्त डांस, और दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी इस एज में इतना कर रहे हैं तो आगे जाके और ज्यादा ग्रूम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे जिमी भाई ये कहना चाहूंगा कि जबरदस्त सेट पे हमारी खूबसूरत दो दो हीरोइन बैठी हुई हैं, तो इनके लिए कुछ हो ना जाए, कोई म्यूजिक में या कुछ गाने में, क्या कहते हैं? होना चाहिए, होना चाहिए ना, ये करते हैं गाना खूबसूरती के लिए, तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। हाँ। क्योंकि लड़कियों की बात हो रही है ना इसलिए। चले जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। सबसे पहले तो काली जुल्फे तो है नहीं हमारी, तो वो तुमने डेडिकेट हमें किया था ना, तो है ना। हाँ, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मेकअप के बाद ना। पहले भी। अच्छा। पहले भी, बिल्कुल। ये तो एक मजाक था, बट दिल के आप लोग अच्छे हैं,
बहुत ज्यादा नहीं हम शक्ल के आप भी बहुत अच्छे नहीं आप भी बहुत अच्छे जब असल में देखो बिलाल आप खुद इतने अच्छे हैं तो हम यहाँ बैठे हुए हैं वरना हम यहाँ कहाँ होते अच्छा मैं मेकअप के से पहले या बाद नहीं लड़की तो ऐसे नहीं नहीं आपने मेकअप बिलाल ने कहा मेकअप किया बिलाल यार नहीं लेकिन मैं एक चीज बताऊं बहुत सारे होस्ट हैं जो अक्सर कहते हैं कि नहीं नहीं हम मेकअप नहीं करते बट टचअप थोड़ा बहुत करते हैं नहीं नहीं टचअप नहीं मेकअप भी करते हैं बहुत सारे होस्ट यकीन करें आप लड़कियां मेकअप ना करें ना बहुत सारे ब्रेकअप हो जाए वैसे ये बहुत जरूरी आपके लिए ये दोनों के लिए नहीं 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 बात दोनों के लिए मैं भी लड़की हूँ और हम शो में बैठे हुए हैं इस बात पे मैं आपके खिलाफ करूंगी मेकअप की एक ऐसी मजाक नहीं नहीं हाँ बिल्कुल वो मजाक सही है नहीं यार खूबसूरती मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होती और असल इंसान की सीरत होती है ये सब कुछ ढल जाना है एक ना एक दिन सर आप बताइए ना खूबसूरती के बारे में कुछ आपके तो बिल्कुल साथ है मुझे खूबसूरती का असल में इस फील्ड के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है नहीं पता लेकिन, निशा लेकिन, साइड पे लेकिन, लेकिन हुसन जाहिरी सी बात है हुसन जहाँ पे भी हो जिस सूरत में भी हो जिस चीज के अंदर भी हो हुसन बिल्कुल नहीं लेकिन एक बात नेचुरल है मर्दों को वैसे भी खूबसूरती चाहिए औरतें चाहिए होती है वाइफ के रूप में भी गर्लफ्रेंड के रूप में एक बात बताऊँ मर्दों को नहीं औरतों को भी खूबसूरती हस्बैंड चाहिए ऐसा नहीं है बस उनकी अकाउंट फैटा अकाउंट पैसा होना चाहिए शक्लें नहीं अच्छा वैसे भी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था लड़के अच्छे बुरे नहीं होते पैसा होता है जी आजकल वैसे भी कॉमन है पैसा होना चाहिए लड़की के बाद बोले सुन रहे हैं सारे आज से मैंने ये सोच लिया बस पैसा कमाना बिल्कुल बस मुंह नहीं धोना पैसा कमाना अभी भी देर नहीं हुई अच्छा सोचा बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको चले जी हम अतर की तरफ चलते हैं अतर क्या हुआ खूबसूरती पर तुम भी कुछ बोल दो तुम भी मैं क्या बोलूं खूबसूरती तुम कुछ करके दिखाओ ये करके दिखा देता हूं बिल्कुल खूबसूरतियाँ थोड़ी खतरे में ना पड़े तो मैं करके दिखा देता नहीं 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 पड़ेंगे स्टैंड बाय अच्छा क्यों खूबसूरती खत्म कर देगा क्या वो आप जब शॉक्ड होंगे ना तो शॉक से बंदे का जाविये बदल जाते हैं चेहरों के अच्छा अच्छा अब मैं ये करने लगा हूँ कि आपने तो मुझे मेरा इंट्रो दिया तो आपने मैजिक का के हवाले से दिया था बिल्कुल तो बेसिकली मैं 3 कैटेगरीज के लिए काम करता हूँ मैजिक की फील्ड में मैं मैजिशियन भी हूँ स्टेज मैजिशियन स्ट्रीट मैजिशियन एंड मैं माइंड रीडर हूँ मेंटलिस्ट मेंटलिस्ट में मैं इतना क्लियर नहीं हूँ अभी मैं सीख रहा हूँ अच्छा। मैं इन 2 कैटेगरीज पे काम करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ तो अभी मैं माइंड रीडिंग से रिलेटेड आपको कुछ दिखाने लगा हूँ कि हम मेंटलिस्ट माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं किसी का ये अभी आपको नजर आ जाएगा कैसे वेरी नाइस सबसे पहले तो मेरे पास 3 चिट्स हैं ठीक है ये सर एक आप पकड़िएगा खोलिएगा नहीं बस अपने पास संभाल के रखें ये आप पकड़े मैम और ये उन्हें दीजिए सब ऐसे पकड़ना चेक मिल गया इनको खोलिएगा नहीं इसको अपने पास ऐसे अच्छा खोल ओपन ऐसे करके चेक हमने पहले दे दिया हमें कवर कर लें थैंक यू अच्छा इस तरह अरसल आप भी ऐसे कवर कर लें दोनों हाथों से जी अब ये जो मैंने आपके हाथ में तीनों के हाथ में एक एक चिट्स दे दी है अब मैं करने लगा हूँ आप लोगों का माइंड कंट्रोल आप लोगों की मर्जी है जो चीज मैं आपको सिलेक्शन दिखाऊंगा उसमें से आप एक्स वाई जेड कुछ भी सिलेक्ट करें कोई भी नंबर सिलेक्ट करें आपकी मर्जी है मेरे ऊपर नहीं करिएगा ना मैंने आप लोगों को पैसे देके बिठाया कि आपने ये बोलना है अच्छा राइट है ओके नंबर सिलेक्ट करने वाला है वेट वेट मैं बताता हूँ आसानी के लिए मेरे पास ये कुछ रिंग्स हैं जिन पे नंबर्स हैं 1 to 12 और बैक पे इसके कुछ चीज़ों के नाम है जैसे इस पे है बिरयानी कबाब पिज्जा निहारी फूड आइटम्स हैं सेकेंड मेरे पास एक और रिंग है इस पे भी 1 to 12 तक नंबर्स हैं और बैक पे इसके कंट्रीज के नेम्स हैं अलग अलग कैनेडा अमेरिका सब अलग है सही और थर्ड मेरे पास है ये भी सेम है नंबरिंग है 1 to 12 तक और इसके पीछे सेलिब्रिटीज के नाम है हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज ठीक है सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा ये वाला दीजिएगा मुझे अब आपसे मैं चाहूँगा अपनी मर्जी से कोई भी एक रैंडम नंबर आप सिलेक्ट करें मेरी मर्जी नहीं है कर लिया बताएं सबके सामने नंबर सिलेक्ट आपने करा है ना मैंने तो नहीं कहा बताएं 7 चेंज करना चाहते हैं यही रुकना चाहते हैं चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं यही सही है पक्की बात है क्योंकि मैंने आपसे कहा है आपको चॉइस दी आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप करेंगे वही जो मेरी कंट्रोलिंग होगा एक दफा हाथ रखें अगेन एंड अगेन अभी भी पूछ रहा हूँ चेंज करना चाहते हैं यही रखना है यही रखना यही रखना है ओके डन आपने कौन सा कहा नंबर सेवन के बैक साइड पे हम इसको 7 तक काउंट करेंगे 7 पे क्या चीज आपने सिलेक्ट की है 7 पे ओके ये नंबर सेवन पे 1 2 3 4 5 6 7
सेवन पे क्या आ रहा है हमारे पास? पिज्जा। पिज्जा दोबारा काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पिज्जा है। पिज्जा यहाँ पे और कहीं लिखा हुआ है? एक ही पे लिखा हुआ है, 7 काउंट करने पे। ओके मैम, आपसे भी मैं ये चाहूंगा, एक ये मुझे हाथ में दीजिएगा। मैं तो डर रही हूं। कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कीजिएगा। निशा क्या करेगा ये? कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कीजिएगा। 5 नंबर 5 चेंज करना चाहती हैं? नहीं, पक्की बात है? जी देख लें। जी देख लें, आपकी चॉइस है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ चेंज कर लें। अब नहीं नहीं, आई एम श्योर। हाथ रखें हल्का सा। ओके कंफर्म है नंबर 5? या या। ओके नंबर 5, 1 2 3 4 5 5 पे कौन सा आ रहा है हमारे पास? कंट्री लंदन। और कहीं लंदन है ना? 5 पे काउंट करने पर है। ओके अर्सला मैम, जी आप भी मुझे दीजिएगा। आपको इनका हाथ मैं पकड़ लूं? नहीं मैं अच्छा इनका हाथ आप पकड़ेंगे, फिर मुझे आपका पकड़ना पड़ेगा। अच्छा चलें फिर। ओके अब आपसे मैं चाहूंगा कोई भी एक नंबर। 9 चेंज करना चाहती हैं? नहीं देख लें, तीनों में से आप बोल रहे हैं कि मैं सोच लूं। कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, आपकी चॉइस। चेंज क्यों करूं? हो सकता है आप ये ऑप्शन दे रहा हूं, आपकी मर्जी है। क्या इसको लॉक कर दें? वो ये वाला पूछ रहा है। अच्छा लॉक करना या चेंज करना चाहती हैं? कर लेते हैं चेंज, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कर लें। 8 कर लो, आपकी मर्जी है, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा चेंज कर लें कोई सा भी। ओके 8 नंबर, नंबर 8 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे हमारे पास कौन सा सेलिब्रिटी है? आतिफ असलम। आतिफ असलम, आतिफ असलम। और कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे? सारे अलग अलग हैं, अली हैदर हैं, फैसल कुरैशी हैं, अली जफर हैं, आयमा बेग हैं, ये सारे अलग अलग ठीक हैं। आतिफ असलम से बेग की जगह पे है, वो नंबर नंबर कौन सा था? 8। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को, ये इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने एक एक चीट आप लोगों के हाथ में दे दी। हाथ तो इसका पकड़ा ही नहीं तुमने। किसका हाथ? अर्सला का हाथ नहीं टच किया अपने हाथ में, मतलब मेरा काम हो गया। अच्छा ओके ओके, एक एक चीट मैंने आप तीनों के हाथ में दी थी, पक्की बात है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग कुछ भी चॉइस करें, कंट्रोलिंग मेरी चल रही होगी, मैं कंट्रोल करूंगा, जो मैं चाहूंगा आप लोगों ने वही सिलेक्ट करेंगे। ये इन फ्यूचर पहले ही मैंने आप लोगों के हाथ में चीट दे दी। अब आप सबसे पहले आप अपनी पहले बताएं आपने क्या चीज सिलेक्ट की थी? 7 उस पर क्या था? पिज्जा। खोलिएगा क्या है? वाओ क्लैपिंग होनी चाहिए यार, वेरी नाइस, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पहले से मैं लिख के आप लोगों को रखवा चुका हूं। exactly. नंबर आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था या नहीं आप कैमरे में बता दिएगा। बिल्कुल मैंने नहीं कहा था कि आप 7 करिए, मैंने कहा कोई सा भी रैंडम। आप भी, आपकी चीज क्या थी? 5 नंबर था और नहीं पहले बता देते हैं। ओह लंदन या कैमरा में शो करा दिएगा। ये देखिए चेक करें बस, जबरदस्त। अच्छा मैम ये शायद गुम हो गई। नहीं नहीं पहले आपका क्या था नंबर एंड उस पे क्या था? 8 था और सेलिब्रिटी आतिफ असलम। चेक यार नहीं करूं मैं, छोड़ रही हूं एक्टिंग, मैं इसी में आई हूं। दैट्स इट, क्लैपिंग होनी चाहिए यार। डिड यू लाइक दैट? जबरदस्त, थैंक यू, अमेजिंग, वाओ, इतनी छोटी एज है और इतना टैलेंट है, मतलब वाओ, वेरी नाइस। मैं तो समझी कुछ उल्टा पुल्टा कर, बस 900 तुमने काट दिया मेरे पैसों। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट कंट्रोलिंग माइंड। इतने टैलेंटेड लोग हैं आपके पास। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट कंट्रोलिंग माइंड्स। अमेजिंग, बिल्कुल ये देखो सब सुन हो गया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल चले जी, आप लोग के साथ पता भी नहीं चला हमारे शो का टाइम खत्म होता जा रहा है और हम एंड जो करेंगे एक मज़ेदार से गाने पे करेंगे सर, ठीक है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अब हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, राइट, हम बहुत सारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें हों लाइफ में, फ्यूचर को लेके, हमारी कंट्री को लेके, राइट। तो मैं सब में पहले अर्सला आपसे पूछूंगा कि जाते जाते कोई अच्छा सा ज़बरदस्त सा मैसेज हमें दे दें। मैसेज यही दूंगी कि अपने करीबी लोगों को प्यार करें और बुरी बातें ज़िंदगी में, अच्छी बुरी बातें सबके साथ होती हैं, उनको भूल जाएं, कोशिश करें भूलने की। और बाकी रिश्तेदारों के लिए कुछ कहना चाहूँगी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग भी मुझसे प्यार करें, थोड़ा सा प्यार कर लें, क्या आप लोग इतनी बुराइयाँ इधर उधर करते रहते, थोड़ा सा प्यार करें, अच्छा लगता है। ओके चल, बिल्कुल बिल्कुल, और आर्टिस्ट को ये चीज़ चाहिए होती है, उससे मोटिवेशन होते हैं। जी
अब मैं मैसेज ये देना चाहूंगी, जेलस होना छोड़ दें सबसे पहले तो. मैं साथ हूं निशा के इस मैसेज में. बेसिकली जो लोग सोचते हैं कि हम ये चीज पा नहीं सकते, तो अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं या यहाँ तक पहुंचे तो हमने बहुत स्ट्रगल किए और बहुत मेहनत की है तब यहाँ नजर आ रहे. तो इस चीज से जेलस ना हुआ करें. आप खुद मेहनत करें और जो आपकी ड्रीम है उसको पाने के लिए आप मेहनत करें. बिल्कुल, कामयाबी खुद मिलेगी, आपको खुद मिलेगी. जी सर, आपसे तो बहुत उम्मीद है हम सबको सर. देखिए मैं एक नहीं दो मैसेजेस दूंगा और वो ये है कि सबसे पहले जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको मेरा ये मैसेज है कि तालीम ज़रूर हासिल करें. तालीम ही हकीकी तौर पर चेंज लेके आ सकती है सोसाइटी के अंदर. और हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद स्कूल से बच्चे भाग जाते हैं, कॉलेजेस में दिल नहीं लगता, लेकिन हकीकी तौर पे अगर हम समझें और अगर हमें यह इदराक हो जाए और हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो, तो जो भी कौमें अब तरक्की कर रही हैं या करती हैं वो तालीम के ज़रिए ही हकीकी तौर पर. और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है वो ये कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, क्यों ना हम अपने शहर अपने मोहल्ले को भी उसी तरह से साफ रखें. और अगर हम अपना किरदार अदा करेंगे सोसाइटी के अंदर तो इसी तरह सोसाइटी बेहतर हो सकेगी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था. थैंक यू. बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरी भी बात थोड़ी सी सेम है कि पढ़ाई में भी जैसा कि इन्होंने कहा. दूसरा, आप जो भी आपका प्रोफेशन है, जैसे कि हम आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, मैं म्यूजिशियन हूँ, कोई भी हमारी फील्ड है, अपनी फील्ड में जो भी हम काम करें उसको सिंसेरिटी से करें. एग्जैक्टली, बिल्कुल. क्योंकि मैंने अपनी फील्ड में एज अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस की फील्ड में भी बहुत ये देखा है, एक दूसरे को काटने पे लगे. हर फील्ड में अपना स्टैंडर्ड फॉलो करके काम करें, इज्जत देने वाली ऊपर वाले की ज्यादा, किसी का छीन के ना खाओ. बिल्कुल ऐसी बात है. जी सर, आप क्या मैसेज? मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि जो काम कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है. कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस मुल्क में. बिल्कुल, कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अच्छा कर रहा है, मैं भी इससे अच्छा करके दिखा दूंगा. वो अपने अंदर आर्टिस्ट बन के बैठे हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन अच्छा अल्लाह ताला ने जिनको टैलेंट दिया है वो सब आर्टिस्ट हैं, सब एक बराबर हैं. और आर्टिस्ट हैं तो यहाँ पर बैठे हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने इज्जत दी है. तो छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, बस स्ट्रगल करते जाएं, मेहनत करते जाएं. और जो भी काम करें, मैं दोबारा से ये कहूँगा, सीख कर करें. जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ना आएगा नहीं. राइट, तो पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के, थैंक्स टू यू बिलाल फॉर हैविंग अस, सीरियसली थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के आए. और एक चीज़ मैं कहता जाऊंगा कि आपने इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत सा सेट देख रहे हैं. ये एफ के स्टूडियो है. फवाद खान वो हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे मॉडल हैं, और स्पेशली उन्होंने अभी ये काम स्टार्ट किया है एज अ पार्ट टाइम. और हम सबकी दुआएं हैं कि उनका स्टूडियो जो बहुत तरक्की करे, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद तरक्की कर रहे हैं अपनी फील्ड में एक्टिंग को लेके, मॉडलिंग तो उन्होंने कम कर दी बिकॉज ही एक्टिंग कर रहे हैं वो, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं. और थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना खूबसूरत सेट हमें दिया. चले जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आप देखते रहिए वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल एवरी वीक. और अपना फीडबैक देते रहें, हमारी जो चीज़ बुरी लगती है हम उसको भी बुरा नहीं समझते, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो और ये भी दुआ है कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाए. और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगेन और एक अच्छे से गाने के साथ. थैंक यू. जी सर, ओ दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, फिर अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा. Oh.
हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम की हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली हाँ सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा, 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 कफारा बोल।